هذا صديقي يا ابني ما شاء الله هذا حلو وهذا هذا نمبر 1 100 نمبر 1 بطها مكان بطها देख सकते हो ये 100 साल पुराना मकान ऐसे होते थे पहले सऊदी अरब के मकान देखो मिट्टी के बने हुए हैं ये सीमेंट के नहीं मिट्टी का मकान सऊदी कहीं नहीं लगा वो उधर एक जगह रखा था अभी देखते हैं ट्रैवल हिंदी अल्हम्दुलिल्लाह आसिर मैं कहाँ से बिहार कहाँ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात कैसे हैं दोस्तों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आज है फ्राइडे और हम जा रहे हैं बथा क्योंकि बथा के अंदर हमें कुछ काम ये कुछ सामान ख़रीदना और ख़ास तौर से हमें ख़रीदना बीफ क्योंकि बीफ वहाँ पर ताज़ा मिलता है यहाँ पर मिलता है यहाँ पर बहुत महंगा होता है डबल हिसाब से होता है वहाँ 30-35 को मिल जाता है केजी के हिसाब से यहाँ पर 60 रुपये इतने रुपये को मिलता है तो आधे का फ़र्क है वहाँ पर और वहाँ पर ताज़ा मिलता है बिल्कुल फ्रेश कटा हुआ यहाँ पर फ्रिज में रखा हुआ होता है तो गोश्त भी लेना है और बथा की वीडियो आपको बना के दिखाएंगे कि बथा यहाँ पर कैसा होता है यहाँ पर कितने इंडियन पाकिस्तानी बंगाली वहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं और कैसी मार्केट होती है बथा की शायद पहले भी आपने देखा होगा बट आज मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और आज मैंने अपना लुक चेंज किया है तो ये मैंने पहली बार वीडियो में आपको पहन के दिखा रहा हूँ तो बताना कैसी ड्रेस लग रही है हमारी ये है ड्रेस कुछ नहीं बस लोवर और ये टी शर्ट है तो चलते हैं बता और भाई हो गई गर्म हो रही गाड़ी और यार गाड़ी में भी काम होना है कल को जाना है गाड़ी सही कराने के लिए क्योंकि गाड़ी के ब्रेक ना थोड़े से कम लग रहे हैं और इसलिए गाड़ी सही करानी है तो ये हमारी गाड़ी और ये है प्यारा व्यू है देख सकते हैं लेट्स गो याल्ला यार फहीम भाई को मैंने कॉल किया मैंने फहीम भाई से करा बता जाना तो बताओ तो बोल रहे यार सुबह हो रही है ये मैंने सुबह नहीं 6:30 बजे ना 7 बजे तक तेरे पास आऊंगा उसके बाद चलते हैं 7:30 बजे तक बता पहुंचेंगे और कह रहा भाई चलो बता चलते हैं बट मेरे लिए रोटी लेकर के आओ तो यहाँ से हो गया बता चालू और अभी हम पहुंचे नहीं है बट यहाँ से बता चालू हो गया है तो रोड इतने छोटे छोटे रोड होते हैं बता पे क्योंकि ये पुराना एरिया है और जब भी सऊदी अरब इसको अगर डेवलप करेगा तो सारा ये टूट के और दोबारा नए तरीके से प्लॉटिंग इसमें होने के बाद में तभी इसको सोसाइटी बनाई जाएगी भाई सऊदी अरब के अंदर ये 100 साल पुराना मकान देख सकते हो ये 100 साल पुराना मकान ऐसे होते थे पहले सऊदी अरब के मकान देखो मिट्टी के बने हुए हैं ये सीमेंट के नहीं मिट्टी का मकान सऊदी अरब तो दोस्तों हम पहुंच गए बथा और बथा पहुंचने के बाद में देख सकते हैं इधर अंदर जाएंगे तो ये गोश्त की मार्केट है तो अभी जो है ये सब मताम है होटल्स हैं नाश्ता करने वाले लेकिन गोश्त की मार्केट जो है ये अंदर जाएंगे और तो हम पहुंच गए गोश्त मार्केट और ये है गोश्त भाई देख सकते हो ये बीफ मार्केट है होटल बड़े का है काय का मैं बड़े का मीडियम का है मीडियम का जूते नहीं है मीडियम का अच्छा कितने रुपए का है 30 को लेकर 25 ताज़ा नहीं है नहीं 25 ये वाला तो दिख रहा है ये 25 है हाँ बिना टिकट 30 ये 25 रुपए का दे रहे हैं ये वाला ताज़ा है कब का आज का है रात में आया रात का है 25 का ये वाला 25 का और ये वाला 30 ये 30 है बिना हड्डी का तो भाई बिना हड्डी का जो आप 30 रुपये का है वैसे 25 रुपये का ये भी यहाँ बिकता है भाई ये यहाँ पर बिकता है बकरे का नहीं है और सारा यहाँ पर गोश्त है ये बकरा है सारा भाई देख सकते हो ये बकरे की मार्केट मटन बीफ जमल ये ऊँट का है बीफ इसको कब का है ताज़ा चाहिए हमें कल का आना चाहिए हैं कहीं नहीं मिलेगा वो उधर एक जगह रखा है ताज़ा अभी देखते हैं ट्राई करते हैं ये वाला ताज़ा मिलेगा अभी बड़ा वाला ये ताज़ा है ये ताज़ा है ये छोटे का है अच्छा तो ये गोश्त की मार्केट भाई ऐसा भी स्मेल तो बहुत आती है यहाँ पर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन स्मेल काफ़ी आती है तो यहाँ पर 30 रियाल को भी है 37 रियाल को भी है और 25 रियाल को भी वो ताज़ा है फ्रेश वो थोड़ा सा महंगा और ये देखते हैं ये कितने को है सलामाले बुद्ध भाई ये काय का है कब का कब का है आप ही उसे कह रहे हो कितने को ये 30 रियाल खाली को 35 रियाल 25 का उधर पीछे ताज़ा वाला भाई ये तो पूछो उसके काट रहे हैं कितने में लिए
हमें कब करने लगाओगे? 25 का लगाओगे? नहीं, कितने का? 30? ना, ताज़ा ताज़ा था वो वाला। गोश्त देखो बोला। हाँ, गोश्त अच्छा है। ये कितने के लिए? ये कितने का है? ये 28 में लाएगा। ये कब का है? ये फ्रिज का है। ये फ्रिज के ताज़ा है। ताज़ा वाला चाहिए। हाँ, ये भी पकड़ के देखना है। ये ताज़ा है ये वाला। ये फ्रिज का ये ताज़ा है। वो ताज़ा ना वो वाला? हाँ, वो ताज़ा है। ये भी ताज़ा, गोश्त देखो। ये भी ताज़ा है। कितने के लिए? ये देख सकते हो, ये गोश्त, ये ताज़ा वाला गोश्त है। ये ताज़ा आई थी, ये ताज़ा है। सलाम अलैकुम, कैफ अल हाल, कैफ सेहत, तैयबा, अल्हम्दुलिल्लाह। अना मिन अल हिंद। हिंदी अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहिब महल सा? साहिब महल अल्हम्दुलिल्लाह। कितने रुपए को? हड्डी वाला? और बिना हड्डी का? बिना हड्डी का 35। यार सही लगाओ यार, कम का नहीं है? तो भाई साहब, बिना हड्डी का हमने 1 kg ये वाला ले लिया है और 1 kg बिना हड्डी का ये वाला ले लिया। ज़्यादा लेना क्योंकि फ्रिज में रखना सही नहीं है। 2 kg ले लिया हमने भाई। हमने गोश्त तो ले लिया है, और क्या कहते हैं, गोश्त लेने के बाद में क्या कहते हैं, मछली का आपको दिखा दें, मछली किस रेट में पर। भाई साहब, ये माशाल्लाह देख सकते हैं आप, फिश है माशाल्लाह। कम है ये, आई देख सकते हैं भाई, मछलियाँ आ गई बहुत सारी। बंदो बंदो, ये कटा हुआ पीस कितने को है? 30 रियाल। और ये वाला फट, ये वाला हाँ, ये वाला ये 35 रुपये कीजिए। कितने का एक पाया? 35 का एक पाया। बंदो भाई, 10 रुपये को है? बंदो भाई 10 रुपये को है वाली? कितने को है? 20 रुपया के जी भाई, ताज़ा वाली। और भाई बता के अंदर आओ ना, तो अपने पर्स और अपना सामान जो है हिफाजत रखना, क्यों यहाँ पार हो जाता है एक प्लेट में। ये मतलब भी पार ना हो, यहाँ पार भी हो जाता है यहाँ। तो भाई इधर हम जा रहे हैं, तो सब्ज़ी वब्जी की दुकान पे जा रहे हैं, शायद सब्ज़ी इधर मिलती है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ से भागो, स्मेल आ रही थी बहुत। शायद सब्ज़ी शायद इधर मिलती है, ये जो है ना। तो यहाँ से तो हमने ख़रीद लिया है बीफ, और ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि 2-2.5 kg ही लिया है, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक फिर आ जाएंगे। ज़्यादा लेके फ्रिज में जगह भी नहीं होती, फ्रिज में फिर ज़्यादा रख के फ़ायदे क्या, फ्रिज का खाल उससे तो सस्ता लेके। अब कोई भी बंदा अगर रियाज के अंदर रहता हो, बथा आना चाह रहा है बीफ की मार्केट, तो आप बथा डालें, बथा बीफ मार्केट, बथा बीफ मार्केट डालेंगे गूगल पे, तो वहाँ पर आपको क्या कहते हैं मैप मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी, आप डायरेक्टली यहाँ पर बीफ मार्केट आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई ज़रूरी नहीं है एक दुकान पे आपने पूछा वहीं से ले लो, यहाँ पर आपने टहलने के बाद में और रेट पूछने के बाद ले लो, क्योंकि सस्ता कम बढ़ती होता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर अंदर शहर के अंदर जैसा रेट है तो उसी रेट से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम बढ़ती, यहाँ आदमी जैसे पड़ गया ऐसे मिल जाता, ठीक है। यहाँ पर आ गए हैं, ये सब्जी की मार्केट छोटी सी लगी है। ये साग है किसी चीज़ का, छोटी छोटी दुकानें लगा रखी हैं और दुकानें लगा रखी हैं, सामान बेच रहे हैं। ये हलवा वगैरह है किसी चीज़ का, और पता नहीं कितने का हलवा है, ये आइडिया नहीं है, खरीद रहे हैं यहाँ पर। और ये हलवा है, ये देखिए टाइट है बहुत, इबा हदा खफीफ है ना, इबा मस्तवी ए माफी हदा भाई। ये पपीता 15 रियाल को केजी दे रहे हैं और टाइट है बिल्कुल भाई। देखिएगा देखिए कल हरवा शो ये ओके हदा कम हदा आशा रजियाल किलो किलो नो आशा रहा। सऊदी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, क्या बात है। सऊदी पऊदी सर, ये क्या भट्टी का सामान है, पता नहीं क्या है, व्हाट इज दिस इशादा। अरे ये हाथ के ढले हुए हैं। सऊदी तबक हदा तबक हदा कम हदा कम 30। हाँ पता नहीं भाई क्या है। और ये कम रियाल किलो किलो है, हाँ 30 लगा लिया मुश्किल हदा सिर मैं।
بس كويس احمر احمر سكر ان شاء الله طيب معصورة لا هاي معصورة وين من الوان انت هذا في السودان من السودان لا 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 معصورة في كويسة في في شطرتون في شطرتون في كيس بس شوف هذا كرمان انفيل ان شاء الله كويس ها سيدة كلام خلاص خلاص ما في معصورة وين انت في السودان من السودان يمن يمن ما شاء الله هذا يمني هذا صديق يمني صح؟ ما شاء الله ايوه حلو هذا نمبر 1 100 نمبر 1 بطها مكان بطها مكان نمبر 1 اوكي شكرا يبقى نص كيلو ये 10 ريال كي جي ہیں بھائی آڑو اور ماشاءاللہ بہت میٹھے ہیں اور بھائی صاحب یہ مرچی ہیں کون سی مرچی دے رہے ہیں یہ مرچ ہے کون سی بھائی یہ مرچ ہے بھائی بتا ملتی ہے کہ اوکے مرچیں ہیں بھائی دیکھ سکتے ہو سوکھی مرچیں اور یہ مرچیں ہیں کون سی مرچیں بانو माशाल्लाह भाई मत ये तो देख देख के परेशान हो आगे मार्केट के अंदर भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पर कंबल चादरें वगैरह सारी कुछ यहाँ मिल जाता है अभी फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं अब आए नकाब बहरा कुछ लेना है हमें तो यहाँ पर हवाए वगैरह मिलते हैं सारी अबधा के अंदर हर चीज़ आपको मिल सकती है आसानी से तो यहाँ आ गए होटल में यहाँ करना है हमें नाश्ता आज नाश्ते में क्या क्या है ओके ओके मटन बीफ चिकन पाया इंडियन इंडियन आई वांट इंडियन फूड ओके तो ये है भाई होटल तो भाई ये है पराठा और सिकावा तो सही है और ये है सब्जी मंगाई है क्योंकि गोश्त वोश को तो दिल भी नहीं कर रहा था सब्जी और पराठा पराठा भी ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर हमारे उधर हमारे एरिया में अच्छी मिलती है सब्जी वगैरह यहाँ पर इतना अच्छा ये भाई गुंडू भाई हैं ये होटल पर काम कर सकते कौन सा होटल है रेस्टोरेंट कहाँ पर है एड्रेस बताओ एड्रेस रियाद बाता मार्केट बंगाली मार्केट बंगाली मार्केट तो अच्छा खाना मिलता है हमारे बेस्ट खाना मिलता है आपका नाम क्या है आपका नाम मेरा नाम है एम डी सुहागराना एम डी सुहागराना सुहागराना और उनका नाम क्या है उसका नाम है एम डी रूबेल एम डी रूबेल रूबेल तो ये भाई बंगाली भाई हैं कभी भी आओ ना इस होटल में तो इनसे मुलाकात करो डिस्काउंट ठीक है ओके एवरी कस्टमर यू डिस्काउंट कम डिस्काउंट तो ये इनका होटल है कोई भी आए तो भाई यहाँ पर मिल गए थे बहुत सारे लोग तो कुछ लोग मिल गए थे वो कह रहे शक्ल से कह रहे थे आपको पहचानते हैं हम तो क्या नाम है कहाँ से ब्लॉग का चैनल बनाते हो मैंने हाँ तो काफ़ी लोग मुझे वो बोला मैंने देखा आदमी ब्लॉग चैनल बनाते मैंने हाँ तो बिहार से थे वो बिहार से थे उन्होंने पहचान लिया शक्ल पहचान ली क्या है पहचानने में आ रहे हो तुम ब्लॉग बनाते हो मैंने कहा बहरहाल भाई टाइम हो गया बहुत और घर चलने की सोचें क्योंकि बहुत गाड़ी हमारी खड़ी है बहुत दूर यहाँ से कम आधा पौन किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी है एक किलोमीटर और 10 बज गए हैं सुबह से आए हुए निकले हुए 10 बज गए तो हम जा रहे हैं घर इंशाल्लाह और घर जाके आपको बताते हैं भाई बता से निकलते हुए ये नज़ारा बड़ा प्यारा लगता है जो मलिक फहद रोड को कनेक्ट करता है तो दोनों तरफ पेड़ हैं इधर पार्क हैं तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा ये देखो माशाल्लाह से बहुत अच्छा व्यू लगता है इधर का ठंडी सड़क लगती है तो दोस्तों हम आ गए हैं घर पे और सारा सामान लिया है जो लाना लेकिन यार 10-11 बजने वाले हैं सुबह के गए हुए 6 बजे के 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 घंटे शॉपिंग की है भाई इधर से उधर थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए 5 घंटे लग गए बहरहाल आप जिस तरीके से आपने देखा बता के अंदर कैसे मार्केटिंग होती है कैसे लोग रहते हैं सामान बेचते हैं तो बता फिर भी सही है बता में ये है मैं बताऊँ आपको बता में 100 रुपये की अगर चीज़ बताई तो आप उसको 50-60 ही लगाओ 50-60 लगा के 70 में आपका डन हो जाता है लेकिन मॉल के अंदर कहीं जाएंगे सऊदी के अंदर तो भाई 1.54 भी आप वहाँ पर कम नहीं कर सकते कह ही नहीं सकते कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कम कर लो तो अच्छा है आप लोग अगर यहाँ सऊदी में रह रहे हैं रियाज में तो मैं आपको राय दूँ अगर आप घर जाने वाले छुट्टी तो शॉपिंग बता से करो पहले एक बार ट्राई कर लो बता से और समझ में आए तो ठीक है नहीं आए तो फिर कहीं और से भी कर सकते हैं तो बहरहाल आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं